नानपगढ़ विकासखंड के ब्लॉक मुख्यालय पर, और यहाँ पर अभी प्रधान संगठन की जो आपातकालीन बैठक हुई उस बैठक में हमें बुलाया गया सर। हम वहाँ पर गए, उन बैठक में तमाम प्रधानों से जुड़ी हुई जो ग्राम पंचायतों की जो उनकी समस्याएं हैं, जो मनमानी का जो आरोप वो शासन प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं वो बैठक में छन किया है। उस आपातकालीन बैठक में तमाम तरह की बात आई हैं, जल जीवन मिशन से लेकर मनरेगा से लेकर के चाहे वित्तीय कार्य हों, ग्राम पंचायतों की तमाम जो उनकी दिक्कतें हैं, एक साल होने को आया कोरोना काल में भी उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ वो प्रधानों ने यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई है। उसके बावजूद उनका आरोप है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और लगातार उनके ऊपर ठेकेदारी प्रथा थोपी जा रही। चलो हम आपसे आपको रूबरू कराते हैं उन्हीं प्रधान लोगों से जो यहाँ पे अभी अपनी बैठक समाप्त करके आए हैं, प्रधान लोगों से रूबरू कराते हैं हम आपको। हमारे बीच जो प्रधान संगठन के यहाँ पे अध्यक्ष हैं नानगढ़ विकासखंड के मनोज सती जी, मैं मनोज सती जी से बैठना पूछना चाहूँगी आज की बैठक जो आपकी बैठक थी वो किस क्रम में थी और किस समस्याओं पर थी, जबकि आप पिछले दिनों देखा गया कि राजधानी में भी आप आंदोलनरत थे और वहाँ पर सरकार से आपकी कुछ वार्तालाप हुई थी और वहाँ पे कुछ आश्वासन आपको दिए गए, फिर भी आश्वासन दिए गए हैं उसके बाद बावजूद भी आधी बैठक आपातकालीन जो बैठक आप लोगों ने की किस कारण से क्या था? मैंने चाची जी देखिए जो हमने प्रदेश में हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो तो 1200 मांगों को लेकर है ही है, इसके अलावा भी विकासखंड में भी जो प्रधान लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसमें से हमारी जो मुख्य समस्या है जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में एक तरफ तो धरना प्रदर्शन हमने दिया तो उसके बाद सरकार के द्वारा हमको 15 का टाइम दिया गया है कि 15 में इसमें जो पहल की जाएगी सकारात्मक पहल की जाएगी, लेकिन इस बीच जो टेंडर प्रक्रिया हुई इस बीच भी टेंडर प्रक्रिया लगातार टेंडर सरकार के द्वारा निकाले जा रहे हैं, इसके संबंध में हमारी बैठक थी और अगर इसमें ऐसे ही होता रहेगा तो हम आगे भी उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। ये आप कह रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन है सरकार ने हमें इनको आश्वासन तो दिया है 15 का, लेकिन उस पर गुपचुप तरीके से फिर भी टेंडर जल जीवन मिशन में कई ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने आपातकाल बैठक बैठा दी अगली रणनीति बनाने के लिए। इस संदर्भ में हमारे और प्रधान जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा मनरेगा में जो खामियाँ आज निकल कर सामने आ रही हैं, चाहे वो मेटल से संबंधित जो टेंडर हैं वो उसको लेकर है, चाहे वो मजदूरों का भुगतान को लेकर है, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या दिक्कतें हैं मनरेगा में, क्या दिक्कतें आ रही हैं? आज मनरेगा पर विशेष हमारी बैठक में फोकस रहा, इसमें तमाम प्रकार की विभिन्न समस्याओं के बारे में परिचर्चा की गई। इसमें विशेषकर मनरेगा में यही दिक्कत सामने आ रही है कि लेबर अंश तो सरकार के द्वारा तुरंत ऑनलाइन उनके खातों में पहुंचा रहा है, लेकिन जो सामग्री अंश है उस सामग्री अंश में खास करके जो हमारा कुशल श्रमिक गांव का जो गरीब व्यक्ति है जिसको हम वहाँ पर कुशल श्रमिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जो है उसको उसके भुगतान में जो है कम से कम बहुत समय लग रहा है, कम से कम कभी चार छः महीने उसके भुगतान में लग जा रहे हैं, और कई लोग उसमें से गरीब लोग हैं जो बार बार प्रधान को परेशान करते हैं कि प्रधान जी हमारे पैसे दे दो हमारे पैसे दे दो, तो जब ऑनलाइन की व्यवस्था है तो प्रधान जी अपनी जेब से कहाँ से देंगे, तो ये तमाम व्यवस्था हैं। तो हम सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, इसमें भी एक समय सीमा होनी चाहिए कि एमबी के बाद तुरंत कम से कम जो है या हफ्ता 15-20 दिन के अंदर मेटेरियल अंश का पैसा भी जो है संबंधित खाते में पड़ जाना चाहिए। इसमें आपकी बैठक में कुछ वक्ता ये बोल रहे थे कि जो 18-19 और 17-18 के और 19-20 के जो पूर्व प्रधान थे उनका जो पेमेंट फंसा हुआ है रुका हुआ है वो भी मनरेगा के मेटल का फंसा हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मनरेगा मेटल के लिए अभी जो टेंडर हुए थे ठेकेदार से आपको मेटल दिया जाना था, क्या वो अभी सुचारू रूप से चल रहा है या क्या है कुछ? और जो देखिए तो बड़ी खेत की बात है कि अगर 18-19 या 17-18 का पैसा अगर पेंडिंग है तो ये तो अपने आपने मनरेगा पर प्रश्न चिन्ह उठा ही रहा है। जो मनरेगा की कार्यप्रणाली है जिन लोगों ने 2-3 साल पहले काम करते हैं अगर उनके खाते में अगर पैसा नहीं पड़ा है तो ये अपने आप में मनरेगा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जहाँ तक रही टेंडर प्रक्रिया की बात, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अभी भी रोड हेड से कई कतिपय ग्राम पंचायतें जो है 2-3 4-4 किलोमीटर दूर हैं, और उसके बावजूद भी जो है तो काम जो है गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर कई बार लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है तो सामग्री को जो है तो टेंडर प्रक्रिया के तहत कैसे पहुँचाया जाएगा? ठेकेदार तो रोड हेड पर छोड़ देगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है तो प्रधान को या अन्य संसाधनों से जो है उसको व्यवस्था को वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो वो पुरानी व्यवस्था जो हमारी थी जो हम किसी दुकानदार से सीमेंट उठाते थे और घोड़े खच्चरों द्वारा अन्य माध्यमों से जो है हम उसको साइड पर पहुँचाते थे, यही प्रक्रिया जो है मैं चाहता हूँ यही सूटेबल प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक। एक समस्या और यहाँ पर जो बैठक में छन की आई थी वो ये थी कि यहाँ पर नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल कमजोर रहती है, ये यहाँ पर नानपकड़ में देखने को मिलती है, चाहे बैंक से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, चाहे विकासखंड मुख्यालय से संबंधित हो, चाहे सरकारी किसी भी कार्यालय से संबंधित हो, कमजोर नेटवर्किंग की यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है विकासखंड में
जो आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनकी संख्या भी बिल्कुल कम है, और इतनी बड़ी विकासखंड इतने बड़े अच्छी ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पे, और दिक्कतों का उनको भी सामना करना पड़ता है, और इसीलिए प्रधान जो यहाँ पर आते हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो केवल कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, और नेटवर्क जो कनेक्टिविटी उससे भी दिक्कतें आती हैं। तो क्या कभी आपने प्रशासन से ये मांग की कि यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाए, चाहे ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत अधिकारी, क्या आप लोगों ने इसमें इस संदर्भ में कभी शासन से वार्तालाप की कि आपके यहाँ पे कर्मचारियों का उपलब्ध है? जहाँ तक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है डिजिटल इंडिया की, लेकिन डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं सफ़ेद हाथी के साथ साबित होती है, और ग्राम पंचायतें जो हमारी, मैं न्याय पंचायत जाग पार्टियों से ताल्लुक़ रखता हूं, और उस न्याय पंचायत जाग पार्टियों की जहां तक बात करता हूं कि विगत 2017-18 से वो पैसा अभी तक पेमेंट नहीं हो पाए हैं। वो बोलेंगे भाई, अच्छा। अपने ही गुजर कर्मचारियों की कमी होने के कारण जो हमारे विकास कार्य का जो पैसा है वो मजदूरों के खातों में नहीं पहुँच पाते हैं, और कर्मचारियों के टोटे होने के कारण यहाँ पर जो कार्य संपादित होने चाहिए मनरेगा के हो, राज्य वित्त के हों और 14वें वित्त के हैं, यहाँ पर एक तो नेटवर्किंग की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जो कर्मचारी हैं भी उनके लिए काम करने के लिए बहुत समस्या पैदा हो जाती है। और रही जहाँ तक विकासखंड मुख्यालय की बात है, यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायतें हैं, और वहाँ की ग्राम प्रधान जब अपने विकास कार्यों का पैसा डालने के लिए उनके मजदूरों के खाते में डालने के लिए आते हैं तो यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी समस्या भी हो जाती है, और इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी हो, और कर्मचारी होने के साथ साथ नेटवर्क की व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनी रहे ताकि कार्य को संपादित करने में आसानी से पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि नेटवर्किंग की जो सुविधा है वो यहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्थित हो तरीके से हो, ताकि उन 80 ग्राम पंचायतों की जो दूर दूर से आने वाले प्रधान लोग हैं वो अपनी कार्य योजनाएं चला सकें, अपने एस्टीमेट बना सकें, और अपना पेमेंट जो भी उनका करना है ऑनलाइन वो करा सकें। इसी संदर्भ में हमारे बीच हैं उत्तरी कड़ाकोट के जो 20 ग्राम पंचायतें हैं, 20 ग्राम पंचायतों में पिछले 2-3 सालों से जो मनरेगा मजदूरों का पैसा नहीं पड़ा है उनके खातों में, वो उस संदर्भ में आप इसे जानना चाहूँगा कि वो कितनी ग्राम पंचायत हैं, कितने लोग हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या कष्ट हैं? हमारी न्याय पंचायत जाग पार्टियों की 15 ग्राम पंचायतें और सिरगुर पट्टी की 5 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें अभी तक भी वर्ष 2019-20 और कुछ 18-19 का पैसा मनरेगा मजदूरी का भी नहीं पड़ा हुआ है। लगातार जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब और अन्य लोगों से वार्ता के बाद भी यह पैसा अभी तक नहीं पड़ पा रहा है। लगातार हमने कई बार लेटर दे दिए हैं लेकिन अभी तक ये पैसा नहीं पड़ पा रहा है। लगातार हम लोग वीडियो साहब से वार्ता कर रहे हैं लेकिन इस मामले में यह पैंच फंसा हुआ है कि यह शासन स्तर पर यह मामला लटका हुआ है, दिल्ली स्तर पर यह मामला लटका हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन पैसों को हमारे मजदूरों को देने की कृपा करें, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में मजदूर सारे घर में हैं और लोगों का पैसा समय पर न मिलने से लोग परेशान हैं। अगर यह पैसा अगर नहीं मिलता है तो हमारे प्रधान संगठन नारबर ने यह निर्णय लिया है कि अगर 10-15 दिन में ये पैसा नहीं आता है तो हम लोग सारे मनरेगा कार्यों का बहिष्कार करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और विकासखंड नारायणगढ़ की होगी। इसी संदर्भ में हमारे बीच हैं उत्तरे कड़ाकोट के प्रधान जी सिन्नेगी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये आपके उत्तरा कड़ाकोट के 20 ग्राम पंचायतों के मनरेगा मजदूरों का जो पैसा मजदूरी मिली है अभी तक, उसका मूल कारण क्या है, क्यों क्या क्या खामी है कि जो उनका मजदूरी नहीं पड़ा, और कुल कितनी संख्या के मजदूर हो सकते हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ जो है जो नलगांव पोस्ट ऑफिस मुख्य डाकघर है, इन डाकखानों का जो मूल है, वहाँ जो है CBSE न होने के कारण जो है ये जो है पैसे नहीं पड़ पाए हैं मजदूरों के खातों में। तो हमने कई कार्रवाई, कई पत्राचार जो है, कोरेस्पोंडेंस जो है सरकार वो कर्मचारियों को कर दिए हैं, DM और CDO और DDO तक जो है हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन अभी तक जो है इस संबंध में कोई जो है प्रश्न हल नहीं हो पाया हमारा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो मजदूर हैं इनका जो है पैसा किसी न किसी रूप में तुरंत भुगतान कर दिया जाए। यदि ये चीज़ नहीं होता तो हमारा जो है संगठन इसके लिए जो है हम काम करने के लिए वो नहीं बाध्य नहीं होंगे और हम मनरेगा का काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि जो तमाम अनियमितताएँ हैं, तमाम जो लापरवाही हैं, जो बार बार मांग करने के बाद भी अनदेखियाँ की जाती हैं शासन प्रशासन की ओर से, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ये तमाम तरह की जो प्रधान संगठन की जो मांगे हैं, जो समस्या हैं, उन पर आज इनकी बैठक हुई, और ये इनका कहना है कि अगर शासन प्रशासन ने इनकी मांग नहीं मानी तो ये आंदोलन करने को फिर मजबूर होंगे, चाहे इनको इस्तीफा देना, त्यागपत्र देना पड़ा, ये भी इन लोगों ने कहा। और अब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधान संगठन जो पूरे राज्य भर में आज जो उबाल इनके अंदर है, ये उबाल कहीं ना कहीं अब जो अभी
राजधानी में जो आंदोलन हुआ था वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के और जो पंचायत मंत्री है उनके आश्वासन के बाद ये कुछ थमा हुआ था, लेकिन जो जल जीवन मिशन में जो अंदर खाने पर ये टेंडरिंग का कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रधानगणों का फिर उबाल प्रारंभ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आंदोलन के राह पर ये जाने को तैयार है। मैं सभा उपस्थित हूँ सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में, और अभी अभी जो ग्राम प्रधानों की जो आपातकालीन बैठक हुई है उसमें सारे प्रधान आक्रोशित थे, वो तमाम तरह की जो सरकार की पंचायत विरोधी और प्रधान जनप्रतिनिधि विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उसके खिलाफ वो मुकर हो रहे हैं, और पिछले दिनों भी एक पखवाड़े वो राजधानी में आंदोलनरत रहे हैं, और 5 अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेरने का जो कार्यक्रम बनाया था, हालांकि हाथी बड़गुला के आसपास में बैरिकेडिंग करके वहाँ पे भारी बल पुलिस बल से उनको रोक दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद शासन की ओर से मुख्यमंत्री जी और पंचायत मंत्री जी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया, और वहाँ पे उन्होंने जो प्रधान संगठन के प्रतिनिधियों से बात की, और ये बात वहाँ पे यह आश्वासन उनको दिया गया कि शासन को 15 दिन दीजिए, और इन 15 दिनों के बीच हम प्रधान संगठन की जो भी समस्याएं हैं जो भी मांगे हैं उनका कोई समाधान करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आज देखा जा रहा है कि प्रधान संगठन ये आज बैठक में इस बैठक में ये बात निकल के आएगी जल जीवन मिशन के तहत जिसका सबसे बड़ा विरोध प्रधान संगठन कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक घर में जहाँ पानी पहुँचाने वाली योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और यहाँ पे जो ठेकेदारी पड़ता है उसका विरोध प्रधान लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि गांव का ग्रामीण बेरोजगार हो जाएगा, गांव की जो योजना है वो गुणवत्तापूर्ण फर्क नहीं बन पाएगी, और पंचायतों का अधिकार जो छीना जा रहा है। इसी संबंध में हम पंचायत अधिकारी श्री रावत जी से पूछते हैं कि आज प्रधान की जो बैठक आपातकालीन बैठक हुई, और ये जो जल जीवन मिशन है या मनरेगा में है, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो किस रूप में आप देखना चाहेंगे, क्या समाधान की क्या करना चाहेंगे? जल जीवन मिशन के तहत मैं कहना चाहता हूँ शासन स्तर पर मामला गतिमान है, क्योंकि जो भी शासन स्तर पर निर्णय लिया है तो वही कार्य हो गया। नहीं, अभी जो बैठक में सुनने में आ रहा था कि जो 15 दिन का शासन ने आश्वासन दिया है कुछ समाधान निकालने के समय मांगा, लेकिन इस बीच जो आज बैठक में बात कई प्रधान लोग कह भी रहे थे, उन्होंने कहा भी है कि गुपचुप तरीके से कई ग्राम पंचायतों में जल मिशन के तहत टेंडर हो रहे हैं, इसमें जो ठेकेदार हैं वो गाँव में आ रहे हैं, जो NGO हैं वो सर्वे कर रहे हैं, और कई जगह खाते भी खोल दिए हैं और समितियाँ भी गठित कर दी गई हैं, लेकिन ये ठेकेदारी प्रथा जो गुपचुप तरीके से चल रही, क्या कहना है आपकी जानकारी? ये मेरी जानकारी में तो है नहीं, पर ये सर्वे हो रहा है, इसके ओर सर्वे हो रहा है, मेरे को अभी कुछ अन्य बात मिली थी, उन्होंने केवल सर्वे कर रहे हैं, अभी ठेकेदारी प्रथा नहीं, केवल सर्वे का काम हो रहा है, बाकी शासन पर से जो भी निर्णय होंगे। आपका कहना है कि आपको जो टेंडर अगर आमंत्रित किए जा रहे हैं, टेंडर हो गए तो उनकी जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर मनरेगा में जो समस्याएं जो प्रधानों ने दिखाई है कि मनरेगा में जो उनके जो कार्य योजनाएं हैं वो कमजोर नेटवर्किंग के चक्कर में हो पा रही हैं, और कम जो केवल कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनकी संख्या कम है, उनकी वजह से नहीं हो रही है, और दूसरे में जो ग्राम विकास अधिकारी पंचायत अधिकारी की जो भी पुटपुल यहाँ पर कोटा है उसके कारण से जो 80 ग्राम पंचायतें हैं काम करने में कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी दिक्कतें आती हैं, नेटवर्किंग की समस्या है ही है, और जो मेटेरियल जो मनरेगा में भी पिछली दफ़ा मेटेरियल जो मैं जो टेंडर हुए थे और इनमें भी प्रधान लोग गुस्साए हुए हैं, और इसमें क्या क्या कुछ आपने निर्णय लिया है, क्या क्या चीज़ें गतिमान है? मनरेगा पर जो टेंडर की प्रक्रिया थी फिलहाल वो 3 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। जहाँ तक हमारे डाटा एंट्री मनरेगा में डाटा एंट्री ऑपरेटर का सवाल है वो पर्याप्त मात्रा में है, केवल नेटवर्किंग की समस्या है यहाँ पर, और हमारे इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी भी 8 पद स्वीकृत हैं, इसमें से मात्र 5 ही पद रह गए हैं, ग्राम विकास अधिकारी भी 10 पद स्वीकृत हैं, इसमें से केवल 6 ही पद कार्यरत हैं, बाकी समस्या तो नेटवर्क की तो हर जगह है यहाँ पर, नेटवर्किंग हो जाएगी और अपने इसमें ठीक हो जाएगा नेटवर्किंग ठीक। और इसके अलावा जो आपकी जो जो विकासखंड मुख्यालय का जो एक बड़ा हिस्सा है 20 ग्राम पंचायत वाला क्षेत्र है उत्तरी कड़ाकोट, बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला और बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि पिछले जो 18-19 और 17-18 की जो मनरेगा के जो मजदूर हैं उनका भुगतान किसी ऑनलाइन चाहे पोस्ट ऑफिस नहीं है कुछ ऐसा हुआ है, तो आपके संज्ञान में भी चीज़ है, मजदूर बहुत परेशान है, और जो नए प्रधान हैं वो भी मनरेगा में काम लगा जो कार्य योजना है वो बनाने में डर रहे हैं, क्योंकि वो काम तो करेंगे लेकिन मजदूरों के जो खाता अभी जो ठीक नहीं हो पाया है वहाँ मजदूरी नहीं पड़ेगी तो वो भी फंसने जा रहे हैं, इसलिए वो प्रधान बहुत आहत हैं, तो उसमें क्या जो टेक्निकली जो तकनीकी दिक्कत है वो क्या है और उसको कैसे पूर्ण किया जाएगा, कब तक किया जाएगा और कितनी संख्या में वो मजदूर होंगे और क्या कहेंगे? मनरेगा में वो लोग उत्तरी कड़ाकोट क्षेत्र है हमारे पंचायत है, उसमें जो उनके लोगों के खाते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर समस्या ये दिक्कत ये आ रही है कि उनके जो पोस्ट ऑफिस है वो सी बी एस सी ब्रांच नहीं हो पा रही, और उस कारण जो है कि हमारा पैसा वापस रहा है विकास खंड द्वारा
डाकघर वालों को सूचित कर दिया गया है, लिखित में किया गया है कि आप अपनी ब्रांच को सीरियस करें, या हमने अपने वो जो हर मनरेगा लेबर है उनको कहा है कि अगर वो वहाँ सीरियस नहीं होता तो आप अन्य बैंकों में खाता खोल सकते हैं, स्टेट बैंक है, पी एन बी है, कोऑपरेटिव है, खोल देते हैं, वो ब्रांच के तौर पर सुचारू हो गया। लेकिन अब ये दो साल तीन साल हो गया और अन्य बैंकों में भी खाता नहीं खुलती, कमियाँ किसकी तरफ से, या ग्राम बैंक जो पूर्व प्रधान है उनकी कमियाँ हैं, या विकास खंड स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी कमियाँ हैं, या जो मजदूर हैं उनकी कमी है? नहीं, कमियाँ तो किसी की भी नहीं है, कमियाँ केवल उसके पोस्ट ऑफिस वालों की है जो अपना ब्रांच को सीरियस नहीं ले पा रहे, अगर सीरियस हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो आज की जो प्रधानों ने अपनी समस्याओं पर आपातकाल बैठक की और उन्होंने निसंदेह आपको ज्ञापन भी दिया होगा शासन प्रशासन पहुँचाने तक, क्या उनकी समस्याओं को आप शासन प्रशासन तक पहुंचा करके या जिले के उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करके कुछ समाधान की दिशा में पहल करेंगे? जी, हम अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराएंगे और जिला स्तरीय अधिकारी ही शासन से उस संबंध में अवगत करेंगे।